हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना हाल चाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस, टाइम है लगभग 5 बजे का और दिन है बुधवार का और तारीख है 13 आज, और अब 2 दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश और मैं दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस, मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो गाइस, मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ बाहर का। तो चलिए, तो गाइस देखिए, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी हुई है। ये देखिए, बहुत बारिश लगी हुई है। ये देखिए, तो हेलो जी, मैं आ चुकी हूँ अंदर और ये देखिए मेरे पीछे इतने बड़ी किताबें पड़ी हुई है। ये है मेरी बेटी पल्लवी की। तो गाइज, मैं आपके सामने एक गाना गा देती हूँ। अगर आपको गाना पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। इस गिराइंदे लंबरा होई ना छोरू आजो, होई ना छोरू आजो, दया समझाई के बता जांदे सिटी मार दे हो। इस गिराइंदे लंबरा होई ना छोरू आजो, दया समझाई के बता जांदे सिटी मार दे। पानी जो जाड़ा असा भर न घड़ोलो, पानी जो जाड़ा भर न घड़ोलू, किया करी नालू लंगना ओ लंबरा, किया करी नालू टपना। इस गराएं दे लंबरा होई ना छोरू आजो, होई ना छोरू आजो, दिया समझाई के बत्ता जांदी सिटी मार दे हो, के बत्ता जांदी सिटी मार दे। तो गाइस, ये गाना मैंने आपके सामने गाया। अगर आपको ये गाना अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना। तो गाइस, कई लोगों की ये शिकायत है कि आपका ब्लॉग जो है हमारे फ़ोन में नहीं आता है। तो मैं इनको ये बता दूं कि मतलब जब आप डेली ब्लॉग अगर आप मेरा भी देखते हो तो आपको मतलब डेली की डेली नोटिफिकेशन आती है। अगर आप मेरा ब्लॉग जो है 5-6 दिन तक नहीं देखते हो तो फिर आपको दोबारा सब्सक्रिप्शन में जा कर के दोबारा आपको मेरा ब्लॉग वहाँ से निकालना पड़ेगा और तभी देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तभी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को डेली देखें और गाइस मेरे ब्लॉग को पूरा देखें, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट काम। तो चलिए फिर, तो बाहर हो रही है बारिश और हम लोगों ने बनाई है मैगी। ये देखिए, आप भी खा लीजिए। तो गाइस, उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े सिलने के लिए, क्योंकि कपड़े भी सिलना जो है एक मेरा काम है जो काफ़ी दिनों से मेरा काम ही चल रहा है, क्योंकि दूसरे काम ज़्यादा हो गए हैं इसलिए कपड़े सिलने का टाइम ही नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा देर, जैसे आधा घंटा या जितना मुझे टाइम लगे, मैं थोड़ी देर कपड़े सिल लेती हूँ। तो यहाँ मैं सिल रही हूँ कपड़े, तो सिल लेते हैं अब कपड़े। ਸਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਾਣ ਤਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ।
चाल उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो टाइम हो चुका है लगभग 11:30 का और गाइज हम लोग जा रहे हैं जयसिंहपुर। तो थोड़ा डेंटल के पास हमें थोड़ा सा काम है, तो इसके दांत में है थोड़ी सी दर्द, तो उसे दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं जयसिंहपुर और आपको भी ले चलते हैं। और मौसम थोड़ा बादल वाला हो रहा है और गर्मी तो उतनी ही ज़्यादा है जितनी थी, तो चलिए चलते हैं और जयसिंहपुर आपको भी ले चलते हैं। तो चलिए गाइज हम पहुंच गए हैं घर में। तो टाइम हो चुका है लगभग 3 बजे का और हम लगभग 1:30 बजे घर में पहुंच गए थे और आकर के रेस्ट वगैरह किया क्योंकि सिर घूम गया मेरा बिल्कुल। और पल्लवी का हमने जो है दांत जो है निकलवा दिया है क्योंकि वो दांत इस साइड था ना, मतलब ऊपर से आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा भद्दा लग रहा था आगे से देखने में। तो हमने डेंटल से थोड़ा मतलब कंसर्न करके फिर उस दांत को हमने निकलवा दिया। फिर वहाँ पर मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्राउड भी था और मतलब अच्छा भी नहीं लगा वीडियो बनाना कि थोड़ा पेनफुल काम था ये। तो हम वापस आ गए हैं अभी लगभग 1:30 बजे के करीब, फिर रेस्ट वगैरह की थोड़ी देर में आप क्लिप कर एंड कर देती हूँ वीडियो का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। पल्लवी से मिलना है आपको मना कर रही है, बाद में मिलवा दूंगी मैं आपको, बाद में दिखा भी देंगे इसका दांत आपको कि कैसी लग रही है विदाउट दांत। ठीक है, तो चलिए बाय।